नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नए एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ बंदरों के जीवन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं एक बंदर अपने दूसरे साथी को उसके शरीर पे जो मैला रहता है, ढील जिसे कहते हैं, वो चुन रहा है। और दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं जो उसका बच्चा है वो दूध पी रहा है गोद में बिठा कर। देखिए, जैसे ही इस बंदर को डर लगता है वो वहाँ से उठकर चला जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रहा है और इधर उधर एक्टिव भी है कि कोई आ तो नहीं रहा है, अगर आए तो वहाँ से वो भाग जाए। इस अवस्था में हमेशा वो एक्टिव बंदर रहते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हों। देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद, देखिए यहाँ से ये बंदर भी भाग निकलेगा क्योंकि इसे डर लगेगा। देखिए, और बहुत ही नज़दीक होने के कारण डर की भी संभावना रहती है कि कहीं झपट न ले, कहीं काट न ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाल में ही जो खबर आई है कि लोगों को काट लिया है। और बहुत सारा ऐसा तो बात मामला आया कि बंदरों को मार भी दिया जाता है, लेकिन बंदर को नहीं मारना चाहिए। हमारे ये जो हिंदू धर्म है उसमें बंदर को नहीं मारा जाता है। देख सकते हैं, यहाँ देखिए, जैसे ही डर लगा वो यहाँ से भाग जाता है अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर। खासकर हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदू जो हैं इसे हनुमान जी के रूप में मानते हैं, वो नहीं मारते हैं बंदरों को। देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये लकड़ी को तोड़ रहा है, जो टहनी गिरा है उसे तोड़ रहा है और खुजला रहा है अपने शरीर को। खासकर देख सकते हैं, तो हिंदू धर्म में बंदरों को नहीं मारा जाता है। खासकर एक गाँव की कहानी है कि एक गाँव में बंदर के को मार दिया गया था, जला दिया गया था, ऐसा कुछ था। तो उसी दिन तुरंत ही उसे उस पूरे गाँव में आग लग गया था। तो इस तरह की घटनाएँ होती रहती है जब बंदरों के साथ कुछ ऐसा होता है। तो खासकर बहुत सारे ऐसे जो मान्यता हैं कि बंदरों को सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, हनुमान जी को सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, जिससे जत्रा खराब होता है, दिन खराब होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कहने की बात होती है। यहाँ देख सकते हैं इनका जीवन कैसा है, बहुत ही एक अलग अनमोल जो कह सकते हैं यहाँ पर उनका जीवन। देख सकते हैं, यहाँ देखिए, एक बंदर यहाँ पर जो जाली है उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर भागता है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ रिपोर्ट करते समय डर भी लग रहा था क्योंकि चारों तरफ बंदर ही थे इस जगह पर। देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से निकलकर अब दूसरी तरफ भागते नज़र आ रहे हैं ये बंदर। और इस चैनल का मदद करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। देख सकते हैं किस तरह से ये बंदर आसपास घूर रहा है, एक्टिव भी है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। और यहाँ से ये भाग निकलता है, फिर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बंदरों के जीवन की बात अगर करें, यहाँ पर ये देखिए इनकी अपने बच्चों को किस तरह से ये लेकर जा रहे हैं पीठ के ऊपर। देख सकते हैं आप ये बंदर को, तो इस तरह से आपने देखा बंदरों के जीवन के ऊपर। यहाँ पर देखें कि बंदर कैसे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं और अपने साथी का ध्यान रखते हैं। और हम इंसान होकर इस तरह के काम नहीं कर पाते हैं, सीखना चाहिए। देख सकते हैं आप उनके जीवन को कि भागम दौड़ रहता है खाना के लिए, छीन कर खाने का। और देख सकते हैं, तो इस तरह से आपने बंदरों के जीवन के ऊपर ये विशेष कवरेज देखा। प्लीज़ इस चैनल का मदद जरूर करिएगा, लोगों को जरूर शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।